हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है संगीता सैरावत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी को जिससे आप अपनी स्किन को बहुत जल्दी लाइटन एंड ब्राइटन कर सकते हैं, और ये आप अपने घर पर कर सकते हैं। बहुत ही कम रुपये के अंदर आप इसको कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो रेमेडी के ऊपर। तो हम आपको बताते हैं कि इस रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है क्लीन बाउल, यानी कि कोई भी आप कटोरी यूज़ कर सकते हो इस रेमेडी को बनाने के लिए। सो बाउल लेने के बाद आपको हम यहाँ पर लेना है कोकोनट ऑयल। सो फ्रेंड्स, आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, मैं आपको कोई पर्टिकुलर कोकोनट ऑयल नहीं बता रही हूँ, आपके पास जौन सा अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल ऐड करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ ये हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो फ्रेंड्स, हमने कोकोनट ऑयल ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। फ्रेंड्स, हल्दी के अंदर कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटन एंड ब्राइटन करती है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आपको इसका यूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ 1 टेबल स्पून के अराउंड हल्दी पाउडर लेने वाली हूँ। हल्दी पाउडर लेने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये सभी रेमेडीज़ हमने ऐड कर दिए। इसके बाद हमें दो चीज़ और इसके अंदर ऐड करनी है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दूसरा एलोवेरा जेल अवेलेबल है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास होममेड एलोवेरा प्लांट है तो आप उससे भी एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल और इफ़ेक्टिव होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, जब ये चीज़ अच्छे से आप मिक्स कर दोगे तो उसके बाद आपको इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट यूज़ करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उसके बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि आपको इस रेमेडी को किस तरह से यूज़ करना है जो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल बन सके। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें इसके अंदर ऐड करना है, वो हम ऐड करने वाले हैं लेमन, यानी कि हमें लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करना है। फ्रेंड्स, लेमन के अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी स्किन से डार्क जो कलर होता है या डार्क स्पॉट्स हम बोल सकते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स, आपको वीक में से 2 से 3 बार यूज़ करना है। आपको क्या करना है, जब आप शावर लेने जाएँ यानी कि नहाने जाएँ, उससे 1 घंटा पहले इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके रख लीजिए, और उसके बाद जब आप नहाने जाएँ तो अच्छे से अपने चेहरे को सबसे पहले सिर्फ क्लीन वाटर से वॉश कीजिए, यानी कि नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। आपको कोई भी सोप वगैरह यूज़ नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।